गुड इवनिंग दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं वो एमईसी 103 की तैयारी कैसे करें। इस सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटी मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सब्जेक्ट को समझे बिना हमें बाकी के सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आएंगे। फर्स्ट ईयर का सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को हम बिना इस सब्जेक्ट के समझ सकते हैं, वह है एमईसी 105। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, फिर कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस एक सब्जेक्ट के अंदर आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक मैथमेटिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स का को सिर्फ वो पोर्शन करना है, यानी कि आपको उतना मैथमेटिक्स सीखना है जो इकोनॉमिक्स में काम आता है। ऐसे ही आपको उतनी स्टैटिस्टिक्स सीखनी है जितनी इकोनॉमिक्स में काम आती है, क्योंकि मैथ को हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी, बट आपको वो वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है, आपको वो वाला पोर्शन पढ़ना है जो हमारा इकोनॉमिक्स में काम आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि इसके हमें अंदर हमें दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, बट उसे समझने से पहले क्वेश्चन पेपर में अगर कोई टॉपिक है हमें यही नहीं पता ये टॉपिक क्या है, तो हम क्वेश्चन पेपर को कैसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। एक या डेढ़ मिनट का काम है ये। देखिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इग्नू से आपको क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा। इग्नू से आपको ये किताबें मिलेंगी, इग्नू से ऐसी पतली पतली किताबें आपको मिलेंगी, और ये पतली पतली छह किताबें आपको मिलेंगी। इग्नू में हम इस पतली सी किताब को ब्लॉग बोलते हैं, बहुत छोटा सा सिलेबस है और बहुत पतली पतली किताबें हैं। मुझे अच्छे से याद है इतनी पतली, बचपन में एक मैगजीन आती थी चंपक, अब भी आती है, और एक नन्हे सम्राट। तो ये बहुत छोटा सा सिलेबस है कुल मिलाकर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो छह बुक है, इन छह बुक को इग्नू ने क्या करा है, यानी छह ब्लॉक को इग्नू ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। पहले चार ब्लॉक, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक और चौथा ब्लॉक, ये मैथमेटिक्स के हैं। पांचवा ब्लॉक और छठा ब्लॉक ये है आपका स्टैटिस्टिक्स का। अब बात करते हैं कि इन छह ब्लॉक में, अगर छह बुक्स में चैप्टर कितने हैं, तो इन छह बुक में कुल मिला के 20 चैप्टर हैं। अब हम ये समझेंगे 20 चैप्टर में को अगर हम मोटे तौर पे डिवाइड करें तो कितने टॉपिक हैं। मैथमेटिक्स के हैं चैप्टर 1 से 13 तक के जो चैप्टर हैं वो मैथमेटिक्स के हैं, जो शुरू के चार ब्लॉक हैं, और पांचवा छठे ब्लॉक में चैप्टर नंबर 14 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक है। अब इन सारे टॉपिक्स को अगर हम मोटे तौर पे डिवाइड करें तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ क्योंकि स्क्रीन पे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, तो स्क्रीन देखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, मैथमेटिक्स में जो 13 चैप्टर है, इन 13 चैप्टर से हम लोग 8 टॉपिक बनाते हैं, यानी कि इन 13 चैप्टर्स के अंदर आपको 8 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। पहला टॉपिक है आपका सेट थ्योरी एंड फंक्शन, इसके लिए आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन, जिसके लिए आपको चैप्टर 3rd, 4th, 5th और 6th पढ़ना है। एक और बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, क्योंकि जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा उसको इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन नहीं आएगा, यानी कि उसका 90% मैथ खत्म। बाकी के जो तीन टॉपिक नीचे बचते हैं, छठा, सातवां और आठवां, 6, 7, 8, इनमें से बहुत ज़्यादा आता नहीं है, पेपर में 20% के आसपास इनकी वेटेज होती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट फिर करके कुछ होगा नहीं। तो डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन है आपका 3rd टॉपिक, और चैप्टर नंबर 7th और चैप्टर नंबर 8th में इंटीग्रेशन दिया गया है इग्नू के स्टडी मटेरियल में। उसके बाद हमारा टॉपिक 4th है डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर है 8, और उसके बाद है 5th टॉपिक डिफरेंस इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9, उसके बाद 6th टॉपिक है वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 10, उसके बाद 7th टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, चैप्टर नंबर 11, 12, और उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर नंबर 13। अब ये मैथमेटिक्स के टॉपिक है। अब इसमें सबसे आसान पार्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या है,
ये इतने आसान टॉपिक है, इनको कोई भी कर लेगा, वो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग को तो हम लोग 9th क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा कुछ इक्वेशन दी होती है, 2 या 3, उनका ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बना के कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है। 9th क्लास के बच्चे को भी अगर ये समझाया जाएगा तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 7th और 8th टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और उनको पास होना है तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कर लो। बट इस सब्जेक्ट में तो हेल्प मिल जाएगी, बट आपका डिफरेंशिएशन तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इसमें डिफरेंशिएशन काम नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन आपका एमएससी 101 माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, और 004 इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सॉरी इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी आपका काम आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई मैथमेटिक्स की। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। देखिए, स्टैटिक्स का जो हमारा ब्लॉक है 5th और 6th है, और स्टैटिक्स में हमें चैप्टर नंबर 30 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक पढ़ने हैं। स्टैटिक्स के अगर सारे टॉपिक्स की, यानी दोनों ब्लॉक और ये जो हमारे चैप्टर बचे हैं 7 चैप्टर, इन्हें अगर हम डिवाइड करो तो 7 चैप्टर से 7 ही टॉपिक बनेंगे। पहला टॉपिक है हमारा मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करा जाता है। आपने पढ़ा होगा मीन, मॉड, मिडियन, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, वही है, बट एग्जाम में नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया गया है जिससे आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो पहले का पढ़ा हुआ है। और इसके बाद सेकेंड टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, चैप्टर नंबर है 15। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 16 हमारा 3rd टॉपिक है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का हमारा 4th टॉपिक है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, चैप्टर नंबर है 17। और 5th टॉपिक है सैम्पलिंग थ्योरी, चैप्टर नंबर है 18। और 6th टॉपिक है सैम्पलिंग थ्योरी और चैप्टर नंबर है 19। और हमारा 7th और लास्ट टॉपिक है स्टैटिकल इन्फ्लुएंसेस, ये है चैप्टर नंबर 20। तो आपको ये पता चल गया मैथमेटिक्स में इतने टॉपिक हैं, आपको ये पता चल गया कि स्टैटिस्टिक्स में इतने टॉपिक हैं। अब बात करते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम लोग पहले ये समझेंगे, मैं यहाँ पे 7 सालों के क्वेश्चन पेपर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। बकायदा एक टेबल बना के मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक किस किस साल आए हुए हैं, कितने कितने नंबर के आए हुए हैं। बट उससे पहले हम फटाफट से एक पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में स्क्रीन पर दिखाऊंगा तो बहुत छोटा आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। पहला पार्ट है एक क्वेश्चन पेपर में, ए पार्ट में 4 क्वेश्चन आते हैं 20-20 नंबर के, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि इसमें 50% आपको चॉइस मिल जाती है, 4 में से 2 करो, 20-20 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, यानी 5 से लेकर 12 तक, ये टोटल क्वेश्चन हो गए 8। इन 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन 12-12 नंबर के हैं। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, 12 क्वेश्चन आएंगे, पहले 4 में से कोई 2, बाद वाले 8 में से कोई 5। इज इट क्लियर? अब देखिए, मैं आपके साथ पिछले 7 साल के क्वेश्चन पेपर का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक किस साल कितने नंबर का आया था। तो टेबल आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए, इस टेबल में अगर आप देखोगे तो जो सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस करा है वो हमारा है टॉपिक 1, और टॉपिक 1 सेट एंड फंक्शन है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सेट और फंक्शन से बिलोंग करते हैं। तो सेट और फंक्शन चैप्टर 1 और 2 से अगर हम देखें, इस टेबल में आप देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर टॉपिक है, फिर टॉपिक के नंबर है, फिर टॉपिक का नाम है, फिर साल दिया है कि कौन से साल में का क्वेश्चन पेपर है। तो इस सेट्स एंड फंक्शन की अगर हम बात करें, पिछले 7 साल में इस टॉपिक के अंदर 3 ऐसे टॉपिक बनते हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद जून 2018 में क्वेश्चन आया था। देखिए, इनवर्स फंक्शन में आप देखोगे तो फरवरी 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, जून 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन था 12th क्वेश्चन का ये पार्ट। उसके बाद जून 19 में भी क्वेश्चन नहीं आया। इस तरह से अगर हम इनवर्स फंक्शन में देखें तो सिर्फ 2 बार क्वेश्चन आया है, दिसंबर 19 में और जून 18 में।
इसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें बचता है लेवल कर्व। लेवल कर्व का क्वेश्चन पिछले 7 क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक बार आया है, दिसंबर 2018 में। उसके बाद अगला टॉपिक है मैपिंग एंड फंक्शन। मैपिंग एंड फंक्शन पिछले 7 सालों में सिर्फ एक बार आया है, तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 7 सालों में अगर हम देखें तो इन टॉपिक से 3 बार क्वेश्चन आए हैं। एक बार दिसंबर 19 से 6 नंबर का, दिसंबर 18 से 12 नंबर का, और जून 18 से 12 नंबर का। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसे छोड़ दो तो भी आपका काम चल जाएगा, बट एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे आप एग्जाम में कितने इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए छोड़ देना। इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी का बेसिक समझना जरूरी है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसका बेसिक समझने में। उसके बेसिक पे मैं आपको 2 क्लास दूंगा, आधे आधे घंटे की क्लास होगी, आधे घंटे की भी नहीं होगी। पहली क्लास तो लगभग 18-20 मिनट की होगी, दूसरी आधे घंटे की होगी। फंक्शन का बेस सेट समझने की तो जरूरत नहीं है, फंक्शन का बेसिक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि फंक्शन ना हर टॉपिक में बाद में बीच में आ जाता है। तो फंक्शन अगर आप समझ जाओगे तो पूरा मैथ बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक और बात, फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना, हमें सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। इतना समझना है कि आगे के टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो, सिर्फ 2 क्लासेस की बात है। किताब में से इसे पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, वही क्लास आपके लिए एनफ होगी। अब सेकंड टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। से अगर आप देखोगे तो पिछले 7 सालों में हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। 32 नंबर का पेपर आया था फरवरी 2021 में, जून 20 में 6 नंबर का आया, उसके बाद दिसंबर 19 में अगर देखें तो 48 नंबर का पेपर आया, जून 19 में देखें तो 32 नंबर का पेपर आया, उसके बाद दिसंबर 18 में देखें तो 32 नंबर का पेपर आया, उसके बाद जून 18 में देखें तो 26 नंबर का पेपर आया, दिसंबर 17 में देखें तो 32 नंबर का पेपर आया, और जून 17 में देखें तो भी दिसंबर सॉरी तो भी 32 नंबर का पेपर आया। अब पिछले 7 सालों में डिफरेंशिएशन में अगर आप टॉपिक देखो तो कितने पूछे गए हैं। पहला टॉपिक मार्जिन रेवेन्यू फरवरी 21 में आया था, दूसरा टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जून 17 में आया था, उसके बाद थर्ड टॉपिक डेरिवेटिव ये आपका फरवरी 11 में आया था, और बिल्कुल यही क्वेश्चन रिपीट हो गया था, जून 17 में भी आया था। जो जो क्वेश्चन रिपीट है उनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। अब देखो पूरी टेबल अगर मैं डिटेल में समझाने बैठूं तो कई घंटे की वीडियो बनेगी। इसका कंक्लूजन क्या है आप ये समझो, जिससे कि पेपर का पैटर्न समझने में तैयारी करने में आपको हेल्प ले। तो कंक्लूजन ये है कि डिफरेंशिएशन में पिछले 7 साल में 14 टॉपिक कवर करें इन्होंने। कितने टॉपिक कवर करें हैं? 14। तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन में से आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो आपका काम हो जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तीसरा चौथा पांचवा छठा 4 चैप्टर है, और 4 चैप्टर में से 14 टॉपिक कवर करे गए। अब इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अच्छे से खुद स्टडी कर लेना कौन सा टॉपिक रिपीट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन के बाद, तो देखिए इंट्रीगेशन का ऐसे ही दिया है किस साल कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आए। इंट्रीगेशन में टोटल 4 टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले 7 सालों में इंट्रीगेशन से 4 टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही फिर अगर फोर्थ नंबर पे अगर हम आए तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो 5 टॉपिक आए हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी नीचे मैंने देख रखा है कि किस साल कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन सा टॉपिक किस किस साल कितना कितना आया हुआ है। उसके बाद ये मैट्रिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग डिस्पर्शन ये मैंने आपको दे दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाद में देख लेना। और उसके बाद ये स्टैटिक्स हमारी स्टार्ट हो गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो बाद में देख लेना। और ये तो सारे टॉपिक है एक्सपीरियंस से। अब कंक्लूजन क्या है, अब कंक्लूजन क्या है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए पिछले 7 सालों में अगर सारे टॉपिक को कवर करा जाए तो पिछले 7 सालों में 76 यानी कि 76 टॉपिक आए हैं अभी तक पेपर में। तो अगर आप ये चाहते हो आप पूरा पेपर अटेंड करके आओ, तो निष्कर्ष ये कि आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करके मत जाना, क्योंकि अगर आप इम्पोर्टेंट करके जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी, हो
हो सकता है कि आपके करे हुए क्वेश्चन आए, हो सकता है करे हुए क्वेश्चन आए, सिलेक्टेड क्वेश्चन करके जाओगे तो भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। कभी कोई टॉपिक आता है, कभी कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो डिफरेंशिएशन हमेशा बहुत आता है, पर जून 20 में देखिए सिर्फ 6 नंबर का आया है। कोई बच्चा ऐसा था जिसने सिलेक्ट कर लिया कि मैं डिफरेंशिएशन अच्छे से करके जाऊंगा, बहुत नंबर का आता है, आ गया 6 नंबर का, हो गया कबाड़ा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो इंटीग्रेशन 20-26 नंबर का आता है, लेकिन ऐसे भी साल है जैसे फरवरी 21 में इंटीग्रेशन से कुछ नहीं आया, दिसंबर 17 में इंटीग्रेशन में से कुछ नहीं आया। तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हर साल बहुत ज्यादा नंबर का आता हो, यानी कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा। आप सिर्फ एक चीज छोड़ सकते हो, सेट एंड फंक्शन, उसका बेसिक समझ के छोड़ देना, एग्जाम के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है कि वो आएगा। तो एग्जाम का पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब हम बात आते हैं कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है। अब ये जो आगे की बात है ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्हें सिर्फ 40 मार्क्स लाके पास होना है, यानी जिनका टारगेट अगर सिर्फ पास होना है तो वो आगे की वीडियो मत देखो, उनके किसी काम के नहीं है। जो बच्चे सही में इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, जिनको सिर्फ पास नहीं होना है, जो सीखना चाहते हैं, आगे की वीडियो उनके लिए है, ठीक है। अब स्टडी मटेरियल की जब बात हो रही है तो जी इग्नू का ये स्टडी मटेरियल है, ये स्टडी मटेरियल एकदम बकवास है, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल सिर्फ 3 तरह के बच्चों को समझ में आएगा, जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है ग्रेजुएशन में, जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स करा है ग्रेजुएशन में, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन में तीनों साल मैथ पढ़ा है, यानी जिन्होंने बीएससी करी है या बीए विद मैथ करा है, उनको समझ में आएगा और किसी को नहीं आएगा। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ये सब स्टडी मटेरियल कैसा है। मैथ तो आपको इसमें से थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाएगा, स्टैटिक्स तो इन्होंने बहुत ही बेकार तरीके से समझा रखी है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं समझा रखी है, बहुत ज्यादा समस्या होती है। आप खुद पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, पढ़ेंगे तो वही बच्चे जिनको अच्छे से तैयारी करनी है, जिनको अच्छे से तैयारी नहीं करनी है वो तो यहाँ वहां से अपना जुगाड़ बनाएंगे, कुछ वीडियो यहाँ से देख ली, कुछ वीडियो वहां से देख ली, ठीक है। तुक्के में पास हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो फिर रिपीट, दो दोबारा पेपर। बट अगर आप चाहते हो एक ही बार में पेपर दो, अच्छे से पेपर दो, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी और पार्ट टाइम में नहीं करनी पड़ेगी। एमए इकोनॉमिक्स पार्ट टाइम में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ पेपर निकल जाएंगे, सारे पेपर नहीं निकलेंगे। अब वो बात अलग है कि जितना आपको एक साल में पढ़ना था तो 4 साल में पढ़ोगे तो बात तो वही आ गई, आपने टाइम तो उतना ही दिया, बट पार्ट टाइम में नहीं होगा। तो ये मटेरियल बड़ा और अनऑर्गेनाइज तरीके से है, अगर हम इनको पढ़ते हैं तो इसमें समस्या क्या, एक तो ऑर्गेनाइज नहीं है, दूसरा इन्होंने जो मैथमेटिकल डेरिवेशन दी है कुछ इस तरह से दिया है, डेरिवेशन देते देते बीच में से 4 लाइन 4 स्टेप खा गए, 4 स्टेप खा गए, 4 स्टेप के बाद का दे दिया। अब हम क्या भगवान है, हमें कैसे समझ में आएगा बीच की कैलकुलेशन कहाँ गई, ठीक है। तो बीच की कैलकुलेशन हमें पता चलती नहीं, अब क्या है, अब आगे का स्टेप तो हम रट नहीं सकते, मैथ में तो रटा जाता नहीं, इतना सारा सिलेबस है कैसे रटेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिलेबस एनफ नहीं है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नोट्स करी है उनको ये समझ में आ जाएगा, बट कुछ टॉपिक्स में बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो अब कौन सी बुक पढ़े, बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं नीरज की बुक की तरफ, या फिर गुली गुल पापा आई थिंक कोई किताब आती है। देखो ना तो आपका नीरज से कुछ होना है, ना पीरज से, ना टीरज से, ना लियुल बाबा से, ना गुली गुल बाबा से, और किसी सब्जेक्ट में किताबें हेल्पफुल हो सकती हैं, एमए इकोनॉमिक्स में बिल्कुल नहीं होगी, और एमएससी 103 में तो बिल्कुल भी नहीं होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी नहीं होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हेल्पफुल नहीं होगी। अब कौन सी किताब पढ़नी है, तो इसका आंसर ये है कि कोई भी दुनिया की ऐसी एक किताब नहीं है जिस एक किताब को पढ़ के आप इस सब्जेक्ट की तैयारी कर लो, फिर कहाँ से पढ़े किताबें। तो आप देखोगे इन्होंने ये जो आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल दिया है, इस स्टडी मटेरियल में कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, जैसे मेरे हाथ में आपका ये फर्स्ट ब्लॉक आ गया है, फर्स्ट ब्लॉक में 3rd चैप्टर सबसे पीछे से मैंने खोला है, तो इन्होंने कुछ बुक दी है हर चैप्टर के बाद में, कुछ यूजफुल बुक दी है, आप अपनी स्क्रीन पे देख लो लिखा हुआ है सम यूजफुल बुक, इसमें कुछ किताबों के नाम है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने हर चैप्टर के बाद में कुछ किताबों के नाम दिए हैं जिन बुक से इन्होंने ये बुक्स बनाई है। इन्होंने क्या करा है, कोई चैप्टर किसी बुक से लिया है, कोई चैप्टर किसी बुक से लिया है, किसी बुक के कुछ चैप्टर लिए हैं, किसी बुक के कुछ चैप्टर लेके किताब इस तरह से बना के रख दी है। अब ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बुक्स हैं और 30-40 बुक हो जाती है, बस 30-40 बुक तो पढ़ना इम्पॉसिबल बात है,
तो आप कौन सी बुक पढ़ो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो सिलेबस बनाया गया है ये मान के चला गया है कि बच्चे ने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी है, उसके बिहाफ पे ही ये सिलेबस बनाया गया है। तो आपको मैथ में कुछ अलग बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, स्टैटिक्स के लिए अलग बुक पढ़नी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस ही अलग है। तो पहले अगर मैं स्टैटिक्स की बात करूं तो ये चार किताबें हैं स्टैटिस्टिक्स की जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये बुकों के जो नाम है ये इस इग्नू की स्टडी मटेरियल में ही लिखे हुए हैं। इनमें से एक जो किताब है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी पढ़ाई जाती है, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा था, वो बुक पढ़ी थी। तो देखिए ये जो सबसे लास्ट बुक है ये इसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पढ़ाया जाता है और ये बुक हमें अभी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इस बुक में बहुत सिंपल तरीके से स्टैटिक्स को समझाया गया है। एक और बात, डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है पर खरीदनी पड़ेगी अगर आप समझना चाहते हो स्टैटिक्स को। कितनी पढ़नी है मैं आपको बताता हूँ, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आप इग्नू की बुक लो, इग्नू की बुक में को जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक्स का सबसे पहला चैप्टर नंबर 13 है, सॉरी चैप्टर नंबर 14 है, तो आप चैप्टर नंबर 14 खोलो, उसमें देखो पहला टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को इस किताब में से ढूंढ के पढ़ लो बस, ठीक है। ऐसे जितने टॉपिक आपके पढ़ने तो वही टॉपिक है जो इग्नू की किताब में है, उसके अलावा टॉपिक नहीं पढ़ने, बट वहां से नहीं पढ़ना, वहां से समझ में नहीं आएगा। और कुछ क्वेश्चन भी हैं जो उस किताब में से नहीं आते इग्नू की, इन किताबों में ऐसे आते हैं। मैं आपके साथ टाइम टू टाइम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, बताऊंगा किस साल के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन कौन सी बुक से पूछा गया, सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एक तो आपको ये किताब स्टैटिक्स के लिए पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी किताब ये पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, और इस बुक के जो राइटर है वो है जॉन ई फ्रोड, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। एक और बात, ये भी पूरी नहीं पढ़नी, वही जो टॉपिक इग्नू की स्टडी मटेरियल में है वो इस किताब में से ढूंढना, वो पढ़ना। इसके बाद एक किताब आपको ये पढ़नी पड़ेगी, और इस बुक के जो राइटर है, राइटर का नाम है एनजी दास, ये किताब भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगेन ये किताब भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। इस किताब के दो वॉल्यूम है, दोनों नहीं खरीदने, हमें एक वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, दूसरा वाला वॉल्यूम खरीदना है ये, ठीक है। और इसके बाद एक किताब हमें ये पढ़नी पड़ेगी, अगेन ये भी पूरी किताब नहीं पढ़नी है। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है उन्होंने एससी गुप्ता तो पढ़ी रखी है, तो कोई खास दिक्कत होगी नहीं, ये किताबों से थोड़ा थोड़ा और पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स की उन्होंने बहुत सारी किताबें दी हैं, बट आपको चार किताबें पढ़नी है। जो पहली बुक है वो है ये सिडेस्टर जे हैमंड, ये इस बुक को भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पढ़ाया जाता है, तो जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है उन्होंने ये बुक पढ़ी होगी पहले, तो ये बुक तो उनकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद एक ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, इस बुक का जो राइटर है वो है वेरियन, ठीक है। ये बुक भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पढ़ाई जाती है, ये बुक भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है, जिन्होंने नहीं करा है उनको अब पढ़नी पड़ेगी। अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो, पास होना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था जिन्हें पास होना है उनके लिए आगे की वीडियो है। उसके बाद आपको ये एक किताब और पढ़नी पड़ेगी, जेम्स एंडरसन, ठीक है। और एक और बात, ये दोनों बुक्स आपकी इस पेपर में भी काम आएंगी, और ये दोनों बुक्स आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि एमईसी 101 में भी काम आएंगी, वहां भी किताबें पढ़नी है हमें, तो ये बुक आपको दो जगह हेल्प करेगी। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट किताब है मैथमेटिक्स के लिए वो ये है अल्फा सी सियांग। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इग्नू के सपोर्टिंग मटेरियल में अगर कहीं से लिखा गया है तो वो ये किताब है, अगर ये आप ये किताब से टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये बुक इतने सिंपल तरीके से लिखी गई है, अगर इसको 11th या 12th का बच्चा भी पढ़ेगा ना वर्ड टू वर्ड स्टार्टिंग से, तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, बट आपको पढ़नी पड़ेगी स्टार्टिंग से। अच्छा सारी ये भी नहीं पढ़नी है, इसमें बहुत सब कुछ लिखा हुआ है, आपको इसमें से भी सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है एमए इकोनॉमिक्स के सिलेबस के लिए, यानी जितना कि इग्नू के स्टडी मटेरियल में है। तो ये बुक्स आपकी हो गई, मैंने आपको बता दिया है कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फंक्शन की क्लास दूंगा, फंक्शन की दो क्लास होंगी, फंक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हम उसको सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे और इतना ही पढ़ेंगे जिससे हमें आगे के टॉपिक समझ में आ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फंक्शन के साथ, टिल देन गुड बाय।